हेलो दोस्तों, नमस्ते। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए दोस्तों। जहाँ जैसा कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे कल आप शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, रीना जा रही थी तो संध्या का सामान लेके जा रही थी, ठीक। तो हम नहीं कुछ बोले, यही बोलें कि संध्या अपनी मर्ज़ी से आई थी, अपनी मर्ज़ी से जा रही है। तो वो बोल रही है कि वो पता नहीं कब आएगी, एक महीना बाद आती है कि एक महीना पहले आती है, कोई जान नहीं रहा है, हम भी नहीं जान रहे हैं। तो तुम नहीं जान रही हो तो तुम सामान क्यों ले जा रही हो उसका? तो इसका मतलब कि तुम चढ़ाई बढ़ाई हो। और वीडियो में, ब्लॉग वीडियो में बोली है कि हम कुर्सी पे क्यों, मकान मालकिन के सामने तुम कुर्सी पे बैठोगी ना? बताओ ना, मकान मालकिन के सामने तुम कुर्सी पे बैठोगी? और जब कुर्सी पे कब बैठोगी? जब उस वहाँ पर 4-5 कुर्सी लगा हुआ है जहाँ पे तुम बैठ सकती हो साथ में, ठीक ना। जहाँ एक कुर्सी लगा हुआ है, बाकी दो लोग नीचे बैठे हैं, तुम कुर्सी पे बैठो नहीं। हम संध्या नीचे बैठे थे और कुर्सी पे बैठी थी, मतलब मकान मालकिन का कोई कदर ही नहीं है, समझ गए दोस्तों। यहाँ आई थी वो मकान मालकिन बनने, हम उसके इशारे को, हम अपने इशारे पे कतई इसको नचाते थे ना। हम संध्या को इशारे पे नचाते थे ना, तुमको नचाते थे। तुम लोग अपना मर्जी से काम करती थी और तुम लोग अपना मर्जी से रूम में रहने आई थी, समझ गई। हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, संध्या को भी नहीं बुलाने गए थे। तुम लोग वीडियो के माध्यम से जब आई थी तो तुम हमको क्यों दोष ठहरा रही हो कि हम तुमको गुलाम समझ रखे थे, गुलामी करवा रहे थे संध्या से? तुम कौन होती हो बोलने वाली संध्या के बीच में, हमारे बीच में तुम कौन होती हो तीसरा बोलने वाली? बताओ, तीसरा बोलने वाली तुम कौन होती हो? तुम कौन होती हो बताओ? हम चुप रहें कि हम जानबूझ के, हम गैस सिलेंडर हम जानबूझ के रखे थे, हम जान रहे थे कि तुम अपना रंग ना दिखा। और मैं गैस सिलेंडर दे देती मगर मैं गैस सिलेंडर जानबूझ के नहीं दी हूँ दोस्तों। देखिए गैस सिलेंडर मैं इसलिए रखती हूँ दोस्तों गैस सिलेंडर, क्योंकि गैस सिलेंडर का पैसा संध्या नहीं दी थी, मगर संध्या बोली कि हम आएंगे हिसाब कर, दीदी हम आएंगे हिसाब करने, तो हम पैसा हम आपको देंगे। मैं चाहती तो दे देती, मगर क्या पता है तुम संध्या के पीठ पीछे तुम गैस चूल्हा पे, उसके गैस चूल्हा पे तुम खाना बनाती और कहती किसे तुम्हारा तो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैं चलाकी की इसलिए क्योंकि तुम गैस सिलेंडर उसका ख़त्म कर देती, एक टाइम खाना बनाती थी, दो टाइम वो खाना खाती थी, तो उसका गैस कितना जरता होगा? बहुत तो जरा होगा, एक आध लीटर, डेढ़ लीटर जरा होगा, बाकी सब तो उसका गैस सिलेंडर ही होगा। मैं जानबूझ के नहीं दी दोस्तों कि तुम अपना रंग जरूर दिखाएगी, इसीलिए मैं जानबूझ के नहीं दी। और कह रही है हमको मोटकी भैंस, तुम्हारा कमाई से मोटकी भैंस बने हैं हैं? तुम्हारा कमाई खा करके बताओ लाइव में तुम जो बोल रही हो कि और अश्लीलता, हाँ वीडियो में बोली है कि अश्लीलता वीडियो, तो तुम अश्लीलती बड़े तुम खुद ना बोली हो अपने मुँह से संध्या के सामने। संध्या के सामने तुम खुद बोल रही थी कि गुड़िया गोरखपुरिया के पास लक्ष्मण के पास गए थे तो सालू कहने लगी कि अश्लीलता वीडियो बना के आई हो, इसलिए हम तुमको यहाँ नहीं रखेंगे बेघर। और हम तुम लोग के हस्बैंड वाइफ के आंसू पे पिघल भी गई थी, मैं तो रखने के लिए तैयार हो गई थी जब सालू यहाँ रह रही थी, तो पीछे वाला देने के लिए तैयार हो गई थी मैं तुमको। तब सालू हमको माना कि दीदी मेरा सब्सक्राइबर है, मैं समझूंगी, मेरे सब्सक्राइबर को आप चढ़ाइए बढ़ाइए मत, और हम जैसे कह रहे हैं वैसे चुपचाप कीजिए। जो उस टाइम भी सालू कुछ नहीं बोली कि हाँ वो अश्लीलता वीडियो बनाई, हमको कुछ नहीं बताई सालू। तुम खुद अपने मुंह से संध्या के सामने बोली हो कि मैं अश्लीलता वीडियो बना के आई थी तो हमको सालू नहीं रखी थी इसकी वजह से। और हम क्या रंग दिखा रहे थे तुमको? गंदा गंदा गाली दे रहे थे। कब दिए हैं गंदा गंदा गाली? जरा रिकॉर्ड सुनाना ना, बताना ना क्यों नहीं रिकॉर्ड की थी हम गंदा गंदा गाली दे रहे थे? अरे देश से डरो, एक तो भगवान तीन लड़की के बाद वो लड़का दिया है, अरे शरीरवा से तो डरो, कर्म से तो नहीं डर रही है, कम कम शरीरवा से तो डरो। ये क्या हम कैसा कर्म किए हैं जो तीन तीन बेटी को एक बेटा दिया हुँ? अपने अब सही कहा, यह गरीब आदमी को बढ़िया घर मिल जाए ना तो अपनी औकात भूल जाता है। वही तुम लोग हो, जिस थाली में खाती हो उसी थाली में छेद करती हो।
और सुनो, रजनी सालू फ्री में रख करके सब्सक्राइबर लोग के गाली सुनती है, हम तुम लोग के पैसा में रख करके, पैसा से पैसा दे करके रख करके हम गाली सुन रहे हैं। तो सबसे बढ़िया न पैसा न फ्री, कुछ भी नहीं। गरीब लोग को 1% ना मदद करो सबसे बढ़िया रहता है। और कहते हो कि गरीब लोग के लोग समझते नहीं है, बड़े बड़े लोग क्या समझेंगे, बड़े बड़े लोग गरीब हो तब पर भी अपने औकात तो दिखाई दी हैं, गरीब हो तब पर भी अपना औकात दिखा दी कि गरीब को जो कुछ जो जो देखी नहीं, जो जो कभी चखले नहीं, वही वाला हाल हुँ? बड़ा महल देख के रह रही हो ना, करकट में जाके रह रही हो ना हुँ? पहले वाला रूम में आ गए दोस्तों, तो करकट वाला घर में तो रह रही हो, बढ़िया यहाँ अति रंग अति छट इंग्लिश छांट रही थी। संध्या लाओ ना, देखते हैं एक्सपायरी डेट है क्या, इंग्लिश छांट रही थी, लाओ हम देख देते हैं। 4 साल 5 साल से वीडियो में काम कर रही, तो अपने आप को 70,000 सब्सक्राइबर का है, तो अपने आप को अथी समझ रही हो हीरोइन के, हमार 70,000 सब्सक्राइबर तो हम हीरोइन है, तोरा से हीरोइन बहुत लोग मारल चल रहा है, समझ गई तोरा ऐसा ऐसा। रजनी सालू ठीक करती है सब्सक्राइबर लोग को, जो घर 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 से दरवाजे से ही भगा देती है, अच्छा करती है, हमको भी वैसा ही करना चाहिए था। मगर और कहते लूटते थे, 3,000 तुमको लेते थे, कितना रूम का कितना भाड़ा लगता है, जिसमें रह रही हो उसमें कितना दे रही हो भाड़ा, 2,500 से तो कम दे नहीं रही होगी। तो हाँ, तो महल में रहोगी तो महल का पैसा महले ना मिले, पैसा महले नहीं ना पैसा लेंगे, और कौन ज़्यादा पैसा ले रहे थे, 3,000 तो ले रहे थे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे थे हैं, बताओ। ये नहीं बताई कि 3,000 में रह रहे हैं दोस्तों, वीडियो तो बना दी, अश्लीलता वाली हमको बना रही है, वहाँ जा रहे हैं अश्लीलता जहाँ शुरू हुआ है वहाँ से अश्लीलता में जा रहे हैं, तो जाओ ना भाड़ में जाओ हुँ? तो तुम शिकायत करना था, इतने हमसे जलन था तुमको, तो तुम मुंह पे क्यों नहीं बोली ये बात, बोलना चाहिए था ना मुंह पे, आ इतने सही थी, अश्लीलता नहीं बनाई थी तो सही बोलती ना, नहीं अश्लीलता बनाती हो तो क्यों नहीं बोली मुंह पे जवाब देना चाहिए था ना, पीठ पीछे क्यों छुरा भगी हो, पीठ पीछे जो छुरा भगता है ना एक नंबर की अति। असल के रहती ना तो पीठ पीछे छुरा नहीं भगती, असल के तो थी नहीं, तो क्या तुम अब दोस्तों। और हाँ, अभी संध्या आने वाली है, उसका गैस सिलेंडर यहाँ है और उसका पैसा का हिसाब भी अभी बाकी है, संध्या आती है उसके बाद संध्या को भी हम अच्छे तरीके से पूछते हैं कि हम संध्या को भी बताएंगे आज, बस उसको भी इंतजार ही कर रहे हैं, 1 महीना रहती है कि 2 महीना रहती है कि क्या महीना है, जो भी रहे पैसा तो छोड़ेगी नहीं, पैसा तो लेने आएगी ही और गैस सिलेंडर लेने आएगी ही, तो उससे भी बात करते हैं। अभी तो फ़िलहाल फ़ोन उठा कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रही है, जब उठा लेगी फ़ोन ना तब उससे पूछते हैं कि हम तुमको से क्या करवाते थे क्या नहीं करवाते थे, इन लोगों के फ्री में रखते हैं, फ्री में रखी है ना रजनी सालू, क्या मिला है सिला रजनी सालू को, रजनी सालू भी जान रही है, समझ गई। तो तुम लोग को हम फ्री में रखते हैं, और ना रखें फ्री में तो ये सलाह तुम लोग दी, फ्री में रखते तो पता ना क्या सलाह देती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों।